नमस्कार, मैं हूं रक्षा उमर और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज। तो आइए एक नजर डालते हैं उन तमाम अहम खबरों पर जो दिन भर की रही सुर्खियों में। देखते हैं ताजा खबर। खबर है वाराणसी से। कांग्रेस बसपा छोड़ बीजेपी में शामिल हुए पूर्व प्रदेश महासचिव युवा कांग्रेस के हर्षवर्धन सिंह, शैलेंद्र पांडे, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष रामनगर वाराणसी धर्मेंद्र सिंह तथा सपा सहित सैकड़ों समाज सेवक एवं प्रधान। बताते चले रोहनिया स्थित बीजेपी कार्यालय पर सैकड़ों कार्यकर्ताओं सहित कांग्रेस सपा सुलेदेव पार्टी के नेता, पूर्व प्रदेश महासचिव युवा कांग्रेस हर्षवर्धन सिंह, शैलेंद्र पांडे, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष रामनगर वाराणसी धर्मेंद्र सिंह सपा सुलेदेव से, रमेश पटेल ने जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्य, कैंट विधायक सौरभ श्रीवास्तव, रोहनिया विधायक सुरेंद्र नारायण सिंह, जिला उपाध्यक्ष लक्ष्मण आचार्य, जिला अध्यक्ष हंस राज विश्वकर्मा, रमाकांत वाजपेयी, ज्वाइनिंग कमेटी अध्यक्ष के समक्ष भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया गया। ज्वाइनिंग के सभी समय कार्यकर्ताओं में भारी जोश दिखाई दिया। साथ ही योगी मोदी का नारा लगाया गया और स्वागत है कहा गया। वहीं साथ ही साथ हर हर महादेव के नारों के साथ भी पूरा परिवेश गुंजायमान रहा। वाराणसी से आजाद खान की रिपोर्ट। ममता सिंह, ये ठीक है कि आदरणीय माननीय राजनाथ सिंह जी के सुपुत्र, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में उन्होंने पिता की छवि से अलग अपना काम शुरू किया था और लगातार काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि पिता की छवि, पिता ने जेब से निकाला, बेटे को प्रस्तुत कर दिया, पंकज सिंह की छवि होनी थी। कल कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और सेना के शौर्य के नाम पर भाजपा को धोखा देने का आरोप लगाया था। उन्होंने कई सारे तथ्य प्रस्तुत किए हैं, सेना के बजट कम करने की बात हो, सेना के सैनिकों के स्वास्थ्य के बजट कम करने की बात हो, 1900 करोड़ रुपए वो कम किए गए, तो उस पर आपका क्या कहना है कि एक तरफ भाजपा सेना के बारे में बात कर रही है, दूसरी बजट कम कर रही है? उस पार्टी का भारत की सेना के शौर्य से क्या लेना देना, जिस पार्टी ने भारतीय सेना के द्वारा की गई सर्जिकल स्ट्राइक को भी फर्जी बनाने का काम किया था, उसका प्रमाण आना था। जो पार्टी भारत की सेना पर सवाल उठाने या भारत सरकार के उसके प्रति सम्मान को ऊपर पर सिंचे लगाने का अधिकार नहीं है। ममता बनर्जी, ये बताया जा रहा है कि बनारस में आके चुनाव प्रचार करेंगी और वो के कार्यकर्ता करेंगी, इस बार सेना बीजेपी के नेताओं की अब एंट्री नहीं होगी स्वामी प्रसाद कंपनी के बाद में। आपके दल में तमाम दलों के नेता अब आ रहे हैं, तो क्या ये एंट्री जारी रहेगी अन्य दलों के नेता? स्वामी प्रसाद मौर्य जी के आने के बाद उनके दल की जो दुर्गति हुई है अब उससे सावधान हो जाए। लेकिन बता दू, भारतीय जनता पार्टी जिसको भी ध्यान करा रही है, बाकायदा जांच करके करा रही है और ये कोशिश कर रही है कि कोई अपराधी इतिहास वाला व्यक्ति भाजपा को ध्यान न करता, जाने तक मेहरबानी कर रहा हूँ और पता लग जाता है इसका कोई अपराधी इतिहास।